हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और प्लीज मेरे लुक्स पे मत जाना। रीजन ये है कि मैं भी सो के उठाऊँ और टाइम हो रहा है आपका, मैं भी शायद 4:30 to 5 के आसपास इतना टाइम हो रहा है। और मैं खास जैकेट पहन के आपको एक चीज दिखाने के लिए उठाऊंगा। ये लाइन देख रहे हो, पता नहीं कितनी पीछे से होगी और वो आगे तक है। यहाँ से निकलने के बाद वो आगे तक गाड़ियों की लाइन है। ये सारी लाइन रजिस्ट्रेशन की है। हद, अभी इस लाइन में भी लगना पड़ेगा, तो इसलिए हमें अब उठना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग आओ, अब तो क्या ही आओगे, जब तक ये बुलाओ आएंगे तब तक तो यात्रा भी खत्म हो जाएगी। बट फिर भी बहुत लाइन रहती है भाई, जल्दी उठ के जल्दी जाना पड़ता है। पहले इन सबको उठाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। से निकल गए हैं और ये देखो लाइन, फिलहाल ये हो रही है लाइन, कितनी बेहतरीन लाइन हो रही है। हमें पता नहीं इस लाइन में से गुजरना है या क्या करना है, वरना बहुत पीछे से आना पड़ेगा यार। अगर इस लाइन में से गुजरना है तो बहुत पीछे से जाना पड़ेगा। बाकी मैं सामान लेके जा रहा हूँ नीचे, नीचे जमा करा देते हैं, लॉकर ले लेते हैं नीचे, क्योंकि लॉकर में ही सेफ रहेगा। लॉकर में सामान जमा कराना, क्योंकि इतने सारे बैग हम लेके जा नहीं सकते, तो इससे पहले लॉकर में जमा करा देते हैं। और एक छोटे वाला, ये वाला पिट्ठू बैग लेके जा रहे हैं। दैट्स इट। अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन वगैरह तो वही हमारा जो कल हो गया था, मुझे पता था प्रोसेस कुछ होना है नहीं। ले लो चाय ले लो, प्रोसेस कुछ होना तो है नहीं। फालतू में लाइन में खड़े रहे, उन्होंने बताया कल हो गया था, उन्होंने कहा जाओ, पूरी लाइन में लग के आए। अभी फिलहाल चाय ले लिया हमने एक स्टॉपेज पर आके, चाय बनवा ली थी। अब चाय पीते पीते आगे चलते हैं। हाँ, 80 रुपये काटे होंगे ना। चाय पीते पीते आगे चलते हैं, फिर आपको सारी डिटेल बताते हैं, क्योंकि आगे जाके गौरीकुंड के लिए ट्रैकर पकड़ने हैं। 5 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो फिलहाल अभी फिलहाल गौरीकुंड चलते हैं, फिर पहले चाय ठाले चल आगे। भाई यहाँ भी लाइन लग रखी है ट्रैकर के लिए, बहुत आगे तक, पता नहीं इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत आगे तक लाइन है ट्रैकर के लिए। अब यहाँ भी लाइन में लग गया, एक एक कप चाय हमने ले लिया और व्यू हो रहा है बहुत खतरनाक। इधर चल रही है नदी, अब पता नहीं ये मेरे ध्यान नहीं रही कौन सी नदी है, भागीरथी है, अलकनंदा, आई डोंट नो। और ये जा रहा है हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। बाकी हम खड़े हैं लाइन में, हम देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। 4 ट्रैकर दिख रहे हैं मुझे आते हुए नीचे, तेरे भी दिख रहा है? 4 नहीं आ रहे, 6 आ रहे, देख 5वां वो और 6ठा वो, ठीक है 7वां वो, देख पीछे 7 ट्रैकर, 8वां वो, 8 ट्रैकर, 9वां वो, 10वां वो, देख 10 हो गए, देख ये 4 करके आ रहे मुझे लग रहा है ना भाई। 10 ट्रैकर मुझे दिख गए, 11वां ये कंप्लीट नहीं होने देंगे कि ब्लॉक बार बार भी आ गया, देख ले तुझे। मैं मजाक कर रहा था, अभी ने दिखाई दूंगा, ये देखो काउंट कर रहा हूँ, नहीं आ रहा यार, वहाँ तक जूम नहीं हो रहा। 13वां मतलब बहुत सारे आ गए, 14वां भी आ गया भाई, बहुत आगे बहुत आगे, अब नहीं कर रहा मैं काउंट। 15वां आ गया, देख देख तू, 15वां आ गया, 16वां भी आ गया, देख 16वां भी आ गया। चलो कोई ना, बाद में बताएंगे फिर सारी चीज़ें। दस्ताना रेनकोट, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये है वो पॉइंट जहाँ से हमें गाड़ियाँ मिलेंगी, सारी गाड़ियाँ खड़ी लाइन से, कम से कम 80-100 के आसपास गाड़ियाँ खड़ी होंगी जो मैंने ध्यान दिया। तो अभी यहाँ से हमें बैठना पड़ेगा, सबको एक एक करके बिठाएंगे, तब फिर हम आगे जाएंगे। तब यहाँ से शायद 5 किलोमीटर है गौरीकुंड, वो लिखा किराया अभी, वो देख 50 रुपये उस पर लिखा हुआ बोर्ड पर, 50 रुपये प्रति यात्री किराया है। तो पहले हम ये गाड़ी पकड़ते हैं और सीधा आपको गौरीकुंड जाके मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको व्यू, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। पहले तो अपने व्यू निकलेंगे हमारे चलते चलते, तो फिर भी कोशिश करेंगे। बड़े हंसी हंसा कर रहा है वो मेरी बात को, तो भैया अपनी गाड़ी के हिसाब से या डेली के हिसाब से? अपनी गाड़ी। अच्छा, क्या चक्कर मार दिया तुम? फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गया, मतलब गाड़ी ने को जहाँ छोड़ना था गाड़ी ने हमें छोड़ दिया है। अभी हमें जाना है आगे यहाँ से, मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में हम आए थे, ये लोग पैसे कटवा रहे हैं पीछे। तो मैंने सामान ले लिया है, बाकी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, अभी ऊपर जाके देखते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठंड जैसा मौसम हो रहा है, बढ़िया एकदम।
अभी ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहाँ दिखाते जा रहे हैं आपको। भाई फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं, मतलब थोड़ा सा आगे है, पर उससे पहले हम ब्रेक के लिए रुके हैं चाय वाय के लिए। ये ऊपर देख रहे हो आप, हाँ चाय लगा देना। ये ऊपर देख रहे हो आप, क्या बेहतरीन है। अभी फ़िलहाल हमने ब्रेड पकौड़े और चाय लगवा लिया, ब्रेड पकौड़े और चाय तैयार हो रही है हमारी, चार ब्रेड पकौड़े चार चाय, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। भाई हमने एक टाइम के हिसाब से 8 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, 15 मिनट हो गए हमें, और हम यहाँ घोड़ा पड़ाव पे पहुँच गए हैं। यहाँ से घोड़े वगैरह मिलते हैं, यहाँ से बुकिंग होती है, नंबर्स होते हैं घोड़े के, यहाँ घोड़ा पड़ाव पे पहुँच गए हाँ, और 8 बजे चल दिए थे। हम ऊपर देखते हैं कितनी देर में पहुँच जाएंगे, वैसे तो लोग कहते हैं 6-7 घंटे पहुँच जाएंगे, पर हमें हमारे हालात के हिसाब से लास्ट टाइम 11-12 घंटे लगे थे, अब पता नहीं कितने लगे, कितने लगे जाके देखता हूँ। तो बाकी अपडेट बीच में देते रहेंगे चलते चलते। भाई इस बार ये गेट बना है, पता नहीं घोड़े से न्यू किस चीज़ के लिए, ये नहीं पता, ये गेट बना है इस बार। जय भोले, हरार भोले। भाई यहाँ रास्ता कुछ इस टाइप से हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता ये था, ये टूट चुका, मतलब थोड़ा तो था, इतना तो था, पर ये टूट चुका है। अब ये ऐसा कुछ ऊबड़ खाबड़ टाइप का है। बाकी हमें चलते हुए 1 घंटा हो गया है, पर आज फर्स्ट टाइम दाद देनी पड़ेगी कि अंजलि एक बार भी रुकी नहीं है पीछे, एक बार भी। तो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलिए धीरे चलती है, और ना उसके साथ वाले, मतलब लास्ट टाइम तो हमें यहाँ पहुँचने पहुँचने में 2 घंटे लग गए थे, पर आज 1 घंटा लगा, पूरे का 9 बजे थे यहाँ पहुँच गया। अब जो मुझे दिख रहा है ना, मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ, देखो ये खम्बा आ गया बीच में, 2 मिनट बाद ये वो देखो, स्नो हिल, क्या मज़ा आएगा ब्रो, ऊपर मज़ा आ जाएगा, फुल मज़ा आ जाना ब्रो, फुल। बाकी मैंने जैकेट उतार दी, और जो सब पहन के आए थे सबने ऊपर के सब उतार दिए, गर्मी लग रही पड़ जाती है इस चक्कर से। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, हाँ हमारी हालत ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल सही है, मतलब लास्ट टाइम जो आए थे उससे बेटर ही है, मतलब बहुत बेटर है। लास्ट टाइम जो आए थे उसमें तो हम कम से कम 50-12 इतने में रुक गए थे, अभी हमने एक ही ब्रेक लिया है, वो भी 3-4 मिनट का, थोड़ा रेस्ट करके पानी पी के फिर चल दिए हैं। यहाँ 13 किलोमीटर का केदारनाथ का वो है बोर्ड, वैसे फेक है, बट फिर भी हम बहुत चल के आ गए लास्ट ईयर के, मतलब 4 साल पहले आए थे, 3 साल पहले, आज इस बार 4th साल है, तो मतलब बहुत अच्छा वो कर रखा, मेहनत कर रखी मेहनत, यस ऐसी जज्बा चाहिए हमें। हाँ ये देखो झरना, वो रेनबो भी निकल रहा है इसमें, कहाँ गए लोग, तो ये तो पीछे तक कहीं नहीं आया यार, ये पता नहीं कहाँ रह जाते हैं लोग, दूर दूर तक ही है। देखो रेनबो भी निकल रहा है इस जगह दिख रहा है, ये रहा रेनबो, नाइस यार। भाई एक ब्रेक लिया है हमने, यहाँ आके बैठे हैं, तेरे साथ वाले कहाँ गए बे, पकड़िए तो फोन को, मेरे तो सर में लग गई है ऊपर, ये टेढ़ा क्यों बना रही है भाई ब्लॉग, सीधा करके बना, ऐसा करके ब्लॉग बना रहे तेरे को, अभी मेरे ये लगा ये कूदते हुए यहाँ से, अभी मैंने और इसने तो ब्रेक ले लिया है, वो लोग पता नहीं कहाँ है, पीछे हैं, पीछे हैं वो लोग, मैं तो कुछ खाने के लिए रुका हूँ, इसका मुझे पता नहीं है कुछ खाएगी या नहीं खाएगी, हम नीचे जो स्ट्रिंग और कुरकुरे चिप्स नमकीन सब लेके आ गए थे, तो मैं तो अभी स्ट्रिंग पे लेता हूँ। थक गई यहाँ से देखो सारा रास्ता ब्रेक हो गया है, ये पहले नीचे का रास्ता था, ये सारा रास्ता ब्रेक हो गया है, अब रास्ता ऊपर से बना दिया इन्होंने, ये ऊपर से जाने का, पहले रास्ता यहाँ नीचे से जाने का था, सारा रास्ता तोड़ के, मतलब टूट गया वो तो, थोड़े पत्थर पुत्थर गिरते रहते उसमें टूट गया, अब नया बना है ये। ओ माय गॉड यहाँ तिक्तर मिला, वो तिक्तर पे चले, तिक्तर पे क्यों, इसे आने में क्या है, हाँ चढ़ चढ़ के आ जाओ आगे से उठा उठा के लाओ, है ना यार तू हंसी मान दे, ये छोटे टायर कैसे चढ़ेंगे, अच्छा ही बता, उठा उठा के चढ़े भाई ये आगे से उठ उठ के, तो बताओ मेरी बात का मजाक मान लिया आगे। भाई इस टाइम हो रहा है 12:08 बजे निकले थे हम, 9:10-11:12 4 घंटे हो गए, 8 बजे निकले थे हम ट्रैक के लिए, भाई चल कितने बजे निकले थे, 8:15 पे मैंने ब्लॉग बनाया, तो समझ आ रही है क्यों, अरे चल
8 बजे हम निकले थे, 4 घंटे में हमने 8 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है, मतलब 1 घंटे में पर 2 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ व्यू देखो आप, जो ऊपर से पानी आ रहा है, ये रामबाड़ा जगह, रामबाड़ा ही बोला था मैंने, पता नहीं मैं भी शायद यार रामबाड़ा है या पता नहीं भीमबाड़ा है, पता नहीं क्या कोई जगह है। और यहाँ देखो क्या मस्त लग रहा है पानी गिरते हुए, एकदम बेहतरीन। इसके अंदर कोई फंस जाए ना तो फंस ही जाए, वो नहीं बढ़ेगा ऊपर। ये इस टाइप से कुछ व्यू है, घोड़ों का रास्ता वो उधर चेंज हो गया ऊपर वाला, हमारा रास्ता इधर है चेंज हो गया, अब हम जाके वहाँ मिलेंगे उस रास्ते पे, तब घोड़े और हम एक साथ हो जाएंगे, घोड़े कच्चर एक साथ हो जाएंगे फिर। चल अच्छा, पर अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाएं, कल तो कहीं रेस्ट लें, और कम से कम आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, उससे कम तो रेस्ट लेंगे। वहाँ नहाएं क्या, मज़ा आएगा, देख वहाँ लोग नहा रहे यार नीचे। हाँ इस बार तारीफ ये है इसकी कि इस बार अंजलि रुकी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कंटिन्यू चलती आई है, चलती आई है। सिर्फ हमने इन 4 घंटों में 8 किलोमीटर में 2 या 3 जगह स्टॉपेज दिया था 5% का, दैट से पर अब लेंगे बड़ा स्टॉपेज। फिलहाल हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच गए जहां हम पहाड़ चेंज करने वाले हैं, बीच में एक पुल है, और दूसरी चीज़ यहां पे किसी की आवाज़ नहीं आती, मतलब पानी की आवाज़ इतनी तेज है कि एक दूसरे की आवाज़ बहुत कम पॉसिबल होती है कि सुनाई दे। ये देखो इस हिसाब से यहाँ पानी चल रहा है, देखो पता नहीं इसमें वीडियो में आ रही होगी सबसे आवाज़ की नहीं आ रही होगी, पर पानी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। और वहाँ पुल पे चलते हैं, वहाँ पुल पे चल के एक आधी फ़ोटो खींचते हैं, वो आप मैं इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी कर लो यार फोटो यार, मुझे पता है इतने लोग नहीं है पर जितने भी हैं उतने तो कर लो कम से कम। चलो पहले पुल पर चलते हैं भाग के भाई, अब तो खड़े हैं यहाँ हमारे वाले, देखो कहाँ हैं, यहाँ से नीचे जाके वो येलो टी शर्ट में दिख रहा, येलो और ब्लैक में वो आ रहे, देखो कितने नीचे रह गए हैं भाई, बिल्कुल थके हुए हैं। तेरे साथ वाले क्या खा पी के आए,